जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने एक आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों व आम नागरिकों को यह सूचित किया था कि कलेक्ट्रेट के परिसर में आने वाले सभी दोपहिया वाहन हेलमेट पहनकर आएं और यह आदेश 1 अप्रैल से लागू किया गया था। उसी की कड़ी में आज इसको जांचने के लिए इस आदेश की पालना करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अनिल चिंदा के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीम पहुंची कलेक्ट्रेट एसपी गेट पर और यह पता लगाने का प्रयास किया कि कितने लोग इस आदेश की पालना करते दिखाई दे रहे हैं। जो इस आदेश की पालना करते दिखाई नहीं दिए उनके चालान भी काटे गए हैं और समझाइश का दौर भी आज पहला दिन है चलाया गया है। यातायात नियमों की पालना में जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे और आज यहाँ जिला कलेक्टर जो रोड है मेन रोड यहाँ वाहनों की चेकिंग की गई है। अभी हाल ही में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि जो लोग बिना हेलमेट चल रहे हैं दुपहिया वाहन चलाते समय, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है चाहे वो आम नागरिक है, और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो आज यहाँ यातायात पुलिस द्वारा नाका लगाकर यहाँ चेक किया गया तो कुछ लोगों द्वारा जो हेलमेट नहीं लगाए गए थे उनको समझाइश भी की गई है और चालान भी किए गए हैं। और बार बार यही कहा जा रहा है कि आप जब भी दुपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। हेलमेट आपकी सुरक्षा का कवच है जो आपको हेड इंजरी से बचाता है, कोई वजन नहीं है। और पहले भी एक अभियान चलाया गया था विदाउट हेलमेट का, और यातायात प्रभारी होने के नाते इसके अलावा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसकी पालना में हेलमेट ज़रूर लगाएं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। कितने चालान काटे गए हैं आज? 7 के करीब चालान काटे गए हैं और समझाइश भी की गई है कि वार्निंग भी दी गई है कि भविष्य में जब भी कभी दोपहिया वाहन पर आएंगे तो हेलमेट लगा कर ही आएंगे। रोज चलेगा या बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा जब तक कि कंटिन्यू रहेगा ये अभियान हमारा।